इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक एल जी का पोर्टेबल कलर टीवी है, जिसके अंदर एक समस्या है। सप्लाई देते ही रेड लाइट आएगी, उसके बाद में वापस रेड लाइट बंद हो जाती है, इसकी समस्या बनी हुई है। इसकी पावर सप्लाई की समस्या है। मैंने एसटीआर भी चेंज कर दिया तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर अंत में हाई वोल्टेज बनने से आप मीटर की प्रोब पे अगर 110 पे देखोगे तो वोल्टेज हाई बन के फिर धीरे धीरे लो हो जाता है। इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसकी एसटीआर की पावर सप्लाई है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। STR67 53, इसके अंदर STR भी मैंने चेंज करके देख लिया तो भी पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि एक बार चालू करने के बाद में एक बार सप्लाई आएगी या हाई वोल्टेज मिलती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखे कि वापस ये ड्रॉप हो जाएगी। यानी STR अपना काम कर रहा है लेकिन फीडबैक उसको नहीं मिल रहा है, इसके कारण से ये वापस बंद हो जाती हैं। इस अवस्था के अंदर आपको यहाँ से एक कपलर, ये कपलर दिख रहा है, ये देखो मैंने इसका कपलर चेंज कर दिया, ये कपलर खराब था। एक बार आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार यहाँ पे सप्लाई दोगे ना, तो सप्लाई देने के बाद में क्या होगा कि ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको सप्लाई जो 110 निकल रही है वो 110 सप्लाई एक बार ऑन होते ही वापिस ड्रॉप हो जाएगी। ये कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि वोल्टेज हाई होता है। अगर ये कपलर खराब होगा ना तो उस टाइम वोल्टेज हल्के से हाई आएंगे, फिर धीरे धीरे ये ड्रॉप हो जाएंगे। इसके अंदर बड़ी समस्या यही है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि ये प्रॉब्लम आने पर आपका STR ऑन होगा एक बार, उसके बाद में ड्रॉप हो जाएगा। मैं इस बोर्ड को चार्ज कर चुका हूँ। LG की ये टीवी है, ये सबदावी टीवी है। एक बार आपको मैं वोल्टेज चेकआउट करवा देता हूँ, मैं क्या क्या वोल्टेज आ रहे हैं वोल्टेज चेक करवा लेता हूँ। पहले यहाँ पे देखो ये 110 आ रहा है, 108 वोल्टेज आ रहे हैं। इसके साथ में भी यहाँ 8 वोल्टेज की सप्लाई है, यहाँ डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे 8 वोल्टेज है और वापस यहाँ पे 22 वोल्ट है। ये आप चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पे 22 वोल्ट आ रहे हैं आउटपुट है, और साथ में यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहे हैं, आपको मीटर बता देता हूँ। और ये 22 वोल्ट की जगह है, ये 22 वोल्ट है आपको, ये देखिए। इसके अंदर ये कपलर के ऊपर इनपुट कितना आ रहा है इसको चेक कर देते हैं। एक बार डाउन कर देता हूँ। ये कपलर की सप्लाई है 7.6 आ रही है और दूसरी पॉइंट पे 8.8 आ रही है। आपको हमेशा ध्यान रखें, अगर इसकी वोल्टेज एक बार सप्लाई आके ड्रॉप हो रही है या हाई वोल्टेज आके ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका कपलर खराब होता। ये कपलर की इसमें ज़्यादा समस्या आती है। कपलर खराब होने के बाद में आपको एक बार से चेक कर लेना, उसके साथ में तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। वो तो जो रेगुलेटिंग सर्किट के अंदर आप पूरा कंप्लीट चेक करना है आपको, ये समस्या आती रहती हैं। इसके साथ ही ये सप्लाई का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसमें देखो सप्लाई कितनी किया है आउटपुट, अगर आप डेली अगर काम कर रहे हो तो उनके को बताने की ज़रूरत नहीं है, नए टेक्नीशियन को ज़रूर इस बात पे ध्यान देना है आपको, ताकि आगे कोई नेक्स्ट टाइम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। ये मेरे साथ में ऐसी ये प्रॉब्लम आई थी, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया, ताकि आपके साथ में भी ऐसा नहीं हो। आप इस बात का ध्यान रखें कि भी STR की पावर सप्लाई का जितना भी है उसकी PDF पहले निकाल दें, ताकि कितना आउट ऑफ ऑर्डर है।
इतने टाइप हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपको।